कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 10 की नगर सेविका शुभांगी बहनवाल द्वारा अपने प्रभाग में बिजली के खंभों पर प्लास्टिक के सेफ्टी कवर्स लगाए गए हैं। बाढ़ में ये बिजली के खंभे पूरी तरीके से गीले हो चुके थे। दुर्घटना को टालने के लिए नगर सेविका द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बात ऐसी है कि काफी दिनों से मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में वीडियोज आते हैं कि खंभे को कोई बच्चा या व्यक्ति करंट उतरने के कारण उसकी मौत हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अपने अपने वार्ड को हर नगर सेवक सुरक्षित करने के लिए अपना अपना दिमाग लगा सकता है। उसके लिए हमने आपस में बैठक बात की, नगर सेविका जी ने बोला कि भाई इस तरीके से नियोजन होना चाहिए, इसको प्लास्टिक कवर होगा तो कम से कम आने वाले खतरे को भाप के कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे और हमारा हीराघाट सुरक्षित रहे। ये जे सेफ्टी कवर आज आमच्या नगर सेवकांच्या माध्यमातून जे लावण्यात गेलेले ते सेफ्टी कवर जे ये आज प्रत्येकी पोलवर आम्ही असे प्लास्टिकची पाईप जे लावतो आहेत, आज बरेचसे असे ॲक्सिडेंट झालेले आहेत करंट लागून, अशी मोठी घटना आमच्या वार्डात होऊ नये याच प्रयत्नाने आम्ही हे सगळे कार्य केलेले। माननीय समाजसेवक और कार्यसंबंधी जो हमारी भाभी है, इनके पास हमारी एक बैठक हुई थी और हमने बोला था कि सर आप ये काम कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ को बताने के पहले अगर जो नगर सेवक भाप ले कि ये प्रॉब्लम है और उसे अपने को सॉल्व करना चाहिए, तो हमारी भाभी जी ने और हमारे भाई ने जो आज काम किया है, हम यही कहेंगे कि ऐसा नगर सेवक हर प्रभाग में हो। आज या ठिकाणी हीराघाट पंचशील नगर मध्ये आज आम्ही एक नवीन काहीतरी कल्पना आणली होती की आम्ही जे आमच्या इथे लाईटचे पोल आहेत आणि असे लाईटचे पोल आहेत की त्यावर एवढा भंडार आहे जाळ्यांचा केबल्सचा, तर आमची ही विचार होता की पुढे जाऊन जसं आता तुम्ही बघितलं 26 जुलैमध्ये आणि परत मग दोन वेळेस बाढ आली, पूर आला, तर आम्हाला भीती होती की आमच्या नागरिकांना पुढे त्रास होईल, कधी या लाईटीच्या खांबामध्ये करंट आला तर कोणाचा जीव जाईल, तर आम्हाला ही सुरक्षा करायची होती, त्यामुळे आम्ही ही नवीन योजना आणली आणि या नवीन योजना मनोहर बहनवाल यांच्या कल्पनेत आली की काहीतरी नवीन म्हणून करायला हवी होती आणि ती आज आम्ही साकार केलेली आहे। आणि आमच्या वार्डामध्ये लाईटीचे पोल एवढे आहेत की त्यामुळे ना कधीही काही मोठा अपघात होऊ शकतो, तर आम्ही 2012 पासून ते पत्रव्यवहार चालू आहे MSEB कडे, पण काही प्रमाणात रिप्लाय येतो पण नंतर काही लक्ष देत नाही, त्यामुळे आम्ही विनंती करतो की या पुढे आमच्याकडे लक्ष द्यावे आणि आमची जे पत्रव्यवहार आहे त्यावर साकार करावेत पूर्ण, नाही अगर नाही होत असेल तर आम्ही या काही पर्याय नाही आहे तर आम्ही भूखाटावर बसूया। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।